साहब बोल रहे हैं सर 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 कमांडर साहब सर 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 ये राजन अभी सलमान खान पहुंचे हुए हैं लेडी डॉक्टर ममता बहन को श्रद्धांजलि देने के लिए। आप लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ लगी है, चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। जिधर भी नजर डालोगे उधर लोग ही नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई है। और आपको बता दें ये केस दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस केस में बताया जा रहा है कि और भी बड़े बड़े नेताओं का भी हाथ है, संजय रॉय के साथ और भी बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। आज के वीडियो में हम आपको सारी चीजें इस वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो क्लिप देखिएगा कितनी ज्यादा भीड़ लग रही है जब सलमान खान श्रद्धांजलि देने के लिए ममता बहन के घर पे पहुंचे। सर 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 कमांडर साहब सर 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 ये राजन साहब साहब कमांडर साहब ठीक है जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो क्लिप में देखा किस तरह से सलमान खान श्रद्धांजलि देने के लिए ममता बहन के घर पे पहुंचे, उनके गांव में जब चल रहे थे अपनी जीप से उतरे तो उनकी आंखों में काफी तेजी से हल्के हल्के आंसू आ रहे थे। आप लोग देख सकते हैं चेहरा कितना ज्यादा डाउन है, सलमान खान काफी ज्यादा दुखी है। सलमान खान का कहना है कि हमारी भारत देश की बेटी का सवाल है और ये बदला जरूर से लिया जाएगा। जितने भी इस केस के अपराधी है ममता बहन के साथ जितने भी दुष्कर्म किए हैं उनको एक एक करके जेल के अंदर जरूर से मैं डलवाऊंगा, ये मेरा वादा है, लोगों से वादा किए हुए। और दोस्तों ये केस दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। सीबीआई द्वारा बताया जा रहा है कि संजय रॉय के साथ उसके साथी और भी इस केस में शामिल हैं जो कि अभी फरार ही घूम रहे हैं। सीबीआई द्वारा पकड़े जाएंगे काफी जल्द। सीबीआई इस केस की काफी जोरों शोरों से छानबीन करने में लगी हुई है। आपको पता होगा सीबीआई कितना ज्यादा साथी रोज चालाक दिमाग की होती है। संजय रॉय के गैंग के साथी काफी जल्दी से पकड़े जाएंगे। और दोस्तों आपको बता दे हैरान करने वाली ये बात है कि संजय रॉय अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि मैंने ये गंदा काम मैंने ये दुष्कर्म काम नहीं किया है, किसी और ने किया है, मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। सीबीआई द्वारा जांच हड़ताल की जा रही है, सीबीआई काफी ज्यादा लगातार सवालों पे सवाल कर रही है लेकिन संजय रॉय अपना मुंह खोल नहीं रहा है। और दोस्तों आपको बता दें सीसीटीवी फुटेज जब चेक किए गए हॉस्पिटल के तो संजय रॉय वहां पे मिला, हॉस्पिटल में संजय रॉय को देखा गया लेकिन संजय रॉय बोल रहा है कि मैं हॉस्पिटल में गया था लेकिन लेडी डॉक्टर के कमरे में मैंने बिल्कुल भी कदम नहीं रखा, किसी और का काम है, मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है, ऐसा ऐसा सवाल कर रहा है। सीबीआई काफी ज्यादा छानबीन करने में लगी हुई है, आखिर कौन है कौन नहीं है, क्या संजय राय है या नहीं है, ये पता करने में सीबीआई काफी ज्यादा छानबीन करने में लगी हुई है। सीबीआई भी काफी ज्यादा हैरान है आखिर संजय रॉय अपना जुर्म क्यों नहीं कबूल कर रहा है, काफी ज्यादा लोग परेशान है इस केस को लेकर। और दोस्तों इस केस में संजय रॉय के साथ और भी दो तीन लोग फंसने वाले हैं जो की काफी ज्यादा पावरफुल बताए जा रहे हैं, काफी जल्द सीबीआई उनके ऊपर भी छापा डालने वाली है। संजय रॉय जैसे ही नाम लेते हैं वैसे ही उनको छापा पकड़ लिया जाएगा, छापा डाला जाएगा। दोस्तों फिलहाल हमारी ममता बहन के साथ काफी ज्यादा गलत हुआ है, पूरी दुनिया में ये खबरें फैली हुई हैं, पूरी दुनिया हैरान है, काफी ज्यादा लोग रो रहे हैं, काफी बेटियां और बहनें घर से नहीं निकल रही, काफी ज्यादा डरी हुई है इन दरिंदों की वजह से। हमारी प्यारी माताएं बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आप लोग अपनी हिफाजत किया करें क्योंकि राक्षस बहुत हो गए हमारे देश में, राक्षसों का जल्द से सामना काफी जल्द किया जाएगा, आप लोग अपनी हिफाजत प्लीज किया करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारी प्यारी बहन ममता को श्रद्धांजलि वगैरह देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके दो तीन शब्द जरूर से लिखें। और चैनल पर नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो ताकि जब भी हमारे चैनल का कोई नया वीडियो है अब तक सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाए। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब जय हिंद वंदे मातरम।